है गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू टू दिसल सो हाई माई रेम टू मीफ यू एंडसक्राइब माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट अपडेट सो गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं मैकेन चीज फाइनली मैंने हिम्मत कर ली कि आज मैं किचन में जाऊँगी क्योंकि कराची में बहुत गर्मी है आप लोगों को कराची में रहते हो तो आपको पता होगा सो so, क्योंकि मैंने रिसेंटली खाया था और मुझे अच्छा लगा था काफ़ी उसका मैंने रिव्यू भी दिया था अपने ब्लॉग में जो लास्ट ब्लॉग था मेरा उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको आप उसे जरूर देखिएगा तो अभी पहले हम चलते हैं किचन में क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है मुझे सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अगर अच्छा बन गया तो आई विल डेफिनेटली शेयर रेसिपी विद यू गाइज अगर अच्छा नहीं बना तो मैं वीडियो को यहीं पर डिलीट कर दूँगी तो अब चलते हैं चलिए जी अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने वन टीस्पून फ्राई पैन में ऑयल डाला था उसके बाद मैंने टू टीस्पून जितना चॉप्ड गार्लिक डाला था उसके बाद मैंने चिकन उठाया बोनलेस चिकन जिसके क्यूब्स आपको दिख रहा है कि मोटे हैं इसके क्यूब्स को मैंने बाद में वीडियो में मतलब बाद में जो है उसको काट दिया था छोटे छोटे पीसेस में बट यहाँ पर पहले हम चिकन को पहले फ्राई करेंगे अगर आपके पास चिकन जो है पतला है मतलब उसका कटा हुआ है ऑलरेडी अच्छे तरीके से तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो जल्दी फ्राई हो जाता है जब तक कलर चेंज करें कलर चेंज हो गया है मैंने इसके अंदर वन टीस्पून स्पून पाउडर डाला और पेपरिका पाउडर के साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था फिर मैंने इसमें वन टीस्पून नमक डाला था नमक को भी मैंने अच्छे से मिक्स किया था वन टी स्पून नहीं हाफ टी स्पून डाला था नमक उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून जितना ही ब्लैक पेपर डाला था ब्लैक पेपर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मैंने हाफ टी स्पून डाला था क्योंकि आगे भी स्पाइसेस हमें डालने हैं उसके बाद मैं इसमें डालूंगी भर कर शिमला मिर्च क्योंकि शिमला मिर्च मुझे पर्सनली हर डिश में अच्छे लगते हैं तभी मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा डाले हैं यहाँ पर नहीं डाले इसके आगे मैं और ऐड कर दूँगी जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ पहले हम शिमला मिर्च और चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर शिमला मिर्च को पकने देंगे और यहाँ पर हमारा चिकन तैयार हो गया। अब हम अपनी वाइट सॉस बनाते हैं जो मेकेन चीज की होती है। तो सबसे पहले मैंने एक दूसरे पैन में बटर का बटर लिया था टू टीस्पून और उसको मेल्ट कर दिया था। फिर मैंने दो सिटी तीन टीस्पून उसमें डाले थे। मैदा डाला था उसको मैंने फिर अच्छे से मिक्स कर दिया था आप लोग देख सकते हैं क्वांटिटी आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं अभी हमारा जो मैदा है वो बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है अभी हम इसके अंदर वन कप ऑफ मिल्क डालेंगे आप कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं और विस्क की हेल्प से मैं इनको मिक्स करूँगी क्योंकि मैदे के अंदर बटर था और उनका थोड़ा थिक टेक्स्चर था अगर चम्मच की हेल्प से हम उसको मिलाएंगे तो लम्ब्स पड़ेंगे विस्क से कोई नहीं नहींग आप लोग देख सकते हैं ईजिली स्मूथली वो मिक्स हो जाता है अच्छे से इसको मिक्स कर लें और उसके बाद में जो है बटर के अंदर मतलब इस मिक्सचर के अंदर एक एक चम्मच जितना पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून इसके अंदर में डालूंगी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून नमक फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मिक्सचर अच्छे से सब मिक्स हो जाए उसके बाद में वन टी स्पून जिसने इसमें डालूंगी पास्ता सीजनिंग क्योंकि पास्ता सीजनिंग से एक अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इटालियन सीजनिंग यूज़ कर लें या फिर स्किप कर दें अभी आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं और मैं इसके अंदर डालूंगी तीन से चार चम्मच जितनी क्रीम आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं क्रीम से क्या होता है कि थोड़ा थिक टेक्सचर टेक्स्चर आता है मतलब थिक होती है थोड़ी सी इससे हमारी जो सॉस है तो उसको अच्छे से विस्क की हेल्प से ही मिक्स करना है फिर आप देख सकते हैं ऑलरेडी थोड़ी थिक हो गई है अब मैं मजीद थिक करने के लिए इसके अंदर हाफ कप ऑफ चीज़ डालूँगी आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ यूज़ की उसको ग्रेट करके मैंने उसे यूज़ की है आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं मोजरेला हो कोई भी हो और आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत थिक अच्छी लगती है सॉस मेरे पास इस टाइम सिर्फ चेडर चीज़ पड़ी थी तो मैंने वही यूज़ की है सिर्फ चेडर चीज़ से ही आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सॉस कितनी थिक हो गई है अभी मैं फाइनली इसके अंदर डालूंगी बॉयल की हुई मैक्रोनी जो हम मैके चीज़ में यूज़ करते हैं मैकरोनी डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि सॉस के साथ मैकरोनी अच्छे से मिक्स हो जाए और अभी उसको लास्ट में मैं जो हमारा हमने प्रिपेयर किया था चिकन सबसे पहले तो हम चिकन डालेंगे चिकन डालकर भी हमें अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर देना है मतलब जो हमारी पास मैकन चीज़ है और चिकन है उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पर हमारा खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है आप थोड़ा देखें <laughs> क्योंकि मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ सो यस दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक एंड चीज़ रेसिपी थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो डू गिव मे थम्स अप एंड टेल मीन माई कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक इट और नॉट भाई बहुत गर्मी के चलने मैं थक गई तो वैसे मैक एंड चीज बहुत अच्छा बना था ए वन टेन आउट ऑफ टेन अगर आपने ट्राई करना है तो आप ज़रूर ट्राई करें बहुत ईजी रेसिपी है ईजिली आपके टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में बन जाएगा टेन मिनट्स में ही बन जाएगा मेरे ख्याल में तो आप प्लीज़ जरूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप वो भी कर दें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी विच इज़ नेहाल स्पार्कल सो so, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाय बाय